ये तय था कि लगातार प्रभावित किया जा रहा है सरकार और गुंडों के द्वारा विधायकों के द्वारा, तो फिर ये चुनौतियां कैसे? हमारी पार्टी की तो कोई नेता गुंड नहीं किया, हम तो नहीं विभाग हुए। नहीं पिछड़ा जाएंगे, ये बिहार का जो सरकार है ये सब कुछ लटका के रखना चाहता है, ये सब कुछ जस्ट सिर्फ इवेंट करना चाहता है, इसको किसी विश्वविद्यालय से, किसी एजुकेशन से, किसी चीजों से मतलब नहीं, किसी कैलेंडर से मतलब नहीं। इसको प्रोफेसर अभी तक बीत रहे, प्रोफेसर का क्या हुआ जनाब? क्या हुआ बीत रहे प्रोफेसर? सवाल है, आपने एक मुहिम छेड़ा था जो कि बिहार के फर्जी फर्जी डॉक्टरों की सफाई करते हैं, दूसरा कोई का कोना है थोड़ी है, वो तो अभी भी फैली है, अभी हमने फैली है, आपका सेवक आपके साथ हमारी पार्टी अभी भी पूर्णिया में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ वो मौत का सौदागर है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है फर्जी डॉक्टर फर्जी माफिया के खिलाफ, कोई समझौता नहीं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि उसको एक साल तो दीजिए, मान एक साल, एक साल के बाद आपका क्या हुआ? भैया मैंने तो सीखा था एक साल बिहार को वक्त दे, सिर्फ एक साल का वक्त दे, हम सिर्फ रोजगार पर सुरक्षा पर इन दलाल, जब ये तय था कि लगातार प्रभावित किया जा रहा है सरकार और गुंडों के द्वारा विधायकों के द्वारा, तो फिर ये चुनौतियां कैसे? हमारी पार्टी की तो कोई नेता गुंड नहीं किया, हम तो नहीं विभाग हुए। नहीं पिछड़ा जाएंगे, ये बिहार का जो सरकार है ये सब कुछ लटका के रखना चाहता है, ये सब कुछ जस्ट सिर्फ इवेंट करना चाहता है, इसको किसी विश्वविद्यालय से, किसी एजुकेशन से, किसी चीजों से मतलब नहीं, किसी कैलेंडर से मतलब नहीं। इसको प्रोफेसर अभी तक बीत रहे, प्रोफेसर का क्या हुआ जनाब? क्या हुआ बीत रहे प्रोफेसर? सवाल है, आपने एक मुहिम छेड़ा था जो कि बिहार के फर्जी फर्जी डॉक्टरों की सफाई करते हैं, दूसरा कोई का कोना है थोड़ी है, वो तो अभी भी फैली है, अभी हमने फैली है, आपका सेवक आपके साथ हमारी पार्टी अभी भी पूर्णिया में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ वो मौत का सौदागर है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है फर्जी डॉक्टर फर्जी माफिया के खिलाफ, कोई समझौता नहीं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि उसको एक साल तो दीजिए, मान एक साल। एक साल के बाद आपका विकास का क्या हुआ? भैया मैंने तो सीखा था एक साल बिहार को वक्त दे, सिर्फ एक साल का वक्त दे, आप 35 साल वक्त दिए हैं डरावने चेहरे को, डरावने सवाल को, हम सिर्फ रोजगार पर सुरक्षा पर इन दलाल अपराधी माफिया बेमान और बलात्कारी और धंधे नेताओं के खिलाफ हम एक राज चाहते, हम एक साल का वक्त मांग, एक साल के अंदर यदि अपना राज राम राज नहीं होगा दोबारा हम आपसे कभी वोट मांगने राजनीति में आएंगे तब तो मैं एक साल का तो वक्त मांग। आप देखो, आप देखिए घंटे घंटे क्या क्या परिवर्तन होगा लोकसभा चुनाव के भागीदारी सर, अभी हम अपनी ताकत लगातार हमारी पार्टी बिहार में विपक्ष का नाम संघर्ष का नाम पप्पू है और जन अधिकार का, आप देखे होंगे 7,800 वोट जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है, इतने पैमाने के बाद, इतने उत्कर्ष के बाद छात्र परिषद तीसरे स्थान पर है, एबीपी और सत्ता में गंदे लोगों शराब मत्ता के बाद, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जन अधिकार छात्र परिषद के लिए, जन अधिकार पार्टी के लिए, ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी जीत है। सर सीमांचल में क्या जन अधिकार पार्टी को तमाम सीटों पर देख सकते हैं? निश्चित